रंजनी सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम अंजनी सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तपस्या है इंद्र देव का, जिसे देख सिंहासन हिल गया है। मुनि नारद की देख तपस्या इंद्र देव घबराए, सोच रहे हैं स्वर्ग सिंहासन मेरा ना छिन जाए। करके कठिन तपस्या नारद सिद्धि जो पा लेंगे, स्वर्ग सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेंगे। कैसे बाधित की जाए नारद जी की भक्ति, इंद्र देव ने सोची अपने मन में एक युक्ति। कामदेव को इंद्र देवता पास बुलाते हैं, करनी आपको भंग तपस्या है। कामदेव ने इंद्र देव का है आदेश भी माना, नारद मुनि का तप भंग करने का मन में ठाना। मुनि नारद बैठे थे जहाँ पर अपना ध्यान लगाए, करने तपस्या भंग मुनि की कामदेव चले आए। कामदेव ने अपना माया जाल फैलाया है, वसंत के जैसा मौसम माया ने बनाया है। नारद मुनि पर काम बाण वो अपने चलाते हैं, कर पाए। नारद मुनि तो बैठे रहे हैं अपना ध्यान लगाए। कामदेव ने आजमाई है अपनी सारी शक्ति, कामदेव से हुई नबाधित नारद जी की भक्ति। कामदेव को होने लगा है फिर तो पश्चाता, क्रोध में आकर नारद मुनि कहीं मुझे न दे दे श्राप। इससे पहले के नारद मुनि अपना ध्यान हटाए, क्यों ना क्षमा याचना उनसे जाकर की जाए। नारद मुनि से अपनी भूल की माफी चाहते हैं,
प्रसन्न होकर नारद मुनि ने उनको माफ किया। अपने यतन में कामदेव जब नहीं है सफल हुए, नारद जी से क्षमा याचना करके लौट गए। मुनि नारद ये सोचे, मैंने ऐसा तप किया है, कामदेव की कोशिश को भी विफल कर दिया है। कामदेव के बाण भी मुझ पर असर नहीं कर पाए, इतना सोच कर नारद मुनि को अहंकार हो जाए। भोलेनाथ के पास में फिर नारद मुनि आते हैं, शायद खुद पे बड़ा अहंकार। भोलेनाथ ने नारद मुनि से फिर इतना ही कहा, कामदेव को आपने तो मुनि नारद जीत लिया, किंतु अपनी सादगी में ही मुनि नारद रहना, यही बात विष्णु जी से कभी भूल के ना कहना। अपनी उपलब्धि पर नारद मुनि इतराते हैं, दिया बताए। अहंकार हुआ नारद मुनि को, विष्णु जी ने जाना, करना होगा दूर अहम ये अपने मन में ठाना। किंतु नारद मुनि को कुछ भी नहीं जताया है, विष्णु जी ने अपना माया जाल रचाया है। एक सुंदर माया नगरी है विष्णु जी ने बसाई, विश्व मोहिनी नामक कन्या जिसमें है बनाई, और स्वयंवर विश्व मोहिनी के पिता रचाते हैं। सोचने विश्व मोहिनी से करना है विवाह, सुंदर रूप बड़ा ही इससे पहले पाया जाए, ताकि विश्व मोहिनी मुझको देखते ही अपनाए। विष्णु जी को नारद मुनि ने फिर तो याद किया,
कहने लगे कि विश्व मोहिनी से करना है विवाह। हरि रूप है विष्णु जी मेरा भी हो जाए, विश्व मोहिनी मुझको ही वरमाला पहनाए। नारद मुनि का विष्णु जी हरि रूप बनाते हैं, खिल्ली सभी उड़ाए। विश्व मोहिनी जो ही वरमाला ले करवाए, झट से नारद जी ने अपने आगे कदम बढ़ाए। विश्व मोहिनी भी उन्हें देख के हंसने लग गई है, कहां से मेरे स्वयंवर में देखो आया कपि है। हरि का एक अर्थ भक्तों वानर भी होता है, नारद जी को विष्णु जी ने वानर रूप दिया है। देखने को परछाई जलाशय के पास आते हैं, सोचने किया मेरे संग विष्णु जी ने छल। उनको सबक सिखाना होगा जाकर के इसी पल। क्रोधित होकर विष्णु जी के पास में फिर आए, शेष की शैया पर विष्णु रहे मंद मंद मुस्काए। मुस्काते हुए कहने लगे हरि मुनिवर कैसे आए, किंतु नारद मुनि तो पहले से ही हैं झल्लाए। और भी क्रोधित उन्हें मुस्काता देख हो जाते हैं, विश्व मोहिनी से मुझे सहनी पड़ विरहा है। त्रेता युग में बनकर मानव मृत्यु लोक जाओगे, आप भी अपनी पत्नी से फिर बिछुड़ ही जाओगे। आपने मुझको हरि के स्थान पे वानर रूप दिया है, लोके मदद वानर रूप की आपने जो भी किया। त्रेता युग में श्री राम बन करके हरि जो आए, तभी तो सेवक रूप में अपने हनुमान को पाए। देकर श्राप मुनि नारद उनको चल जाते हैं, वानर रूप में जन्मे कैसे
उनका श्राप रंग लाया। उनके सेवक हनुमान ने वानर रूप बनाया। अंजनी माँ की कोख से उत्पन्न हुए भक्त हनुमान, बचपन से ही हुए बड़े ये वीर और बलवान। परिचय अपने बल का सबसे पहले जब है दिया, सूर्य देव को समझ के फल जब इन्होंने निगल लिया। सूर्य देव को निगल गए तो छा गया है अंधकार, देव लोक में भी मच गई है भक्तों हाहाकार। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में आते हैं, चाहा है ब्रह्म देव क्यों सृष्टि में अंधकार ये छाया है। ब्रह्मा जी ने जब देखा है अपना लगा के ध्यान, कहने लगे कि सूर्य देव को निकल गए हनुमान। हनुमान को सब देवों ने आके मनाया है, अपना अपना तौर तरीका सबने अपनाया है। सूर्य देव को हनुमान ने जब नामुक्त किया, इंद्र देव को हनुमान पर बड़ा ही क्रोध हुआ। क्रोधित होकर उन पर अपना वज्र चलाते हैं, हनुमान गिर जाए। अपने पुत्र का हाल जानने पवन देव फिर आए। इंद्र देव पर पवन देव ने बड़ा ही क्रोध किया, क्रोधित होकर पवन देव ने वेग है रोक लिया। वेग रुका जो पवन देव का, सभी बड़े घबराए। पवन देव के बिना तो कोई सांस बिना ले पाए। ब्रह्मा जी ने आकर के फिर उन्हें मनाया है, हनुमान को भी मूर्छा से तभी उठाया है। हनुमान की वज्र देह ब्रह्मा जी बनाते हैं, पश्चाताप हुआ। सब देवों ने हनुमान की बोली जय जय का, अपनी अपनी शक्ति का फिर किया उनमें संचार।
शक्ति पाकर और भी बजरंग हो गए हैं बलवान। शक्ति में कोई देव नहीं है अब तो इनके समान। कभी हवा में उड़ते हैं कभी पत्थर लुढ़काते। पवन पुत्र होने के कारण हवा में उड़ जाते। बल अपना भुलाया है किंतु इतना भी कह दिया कोई जब तुम्हें याद कराए। अपना बल है हनुमान तब याद तुम्हें आ जाए। 14 बरस वनवास को जब है श्री राम आए। माँ सीता का करके हरण तब रावण ले जाए। श्री राम सुग्रीव मित्रता हनुमान ने कराई है। सुग्रीव का जानी दुश्मन उनका वाली भाई। वाली वध कर राम मित्र का फर्ज निभाते हैं। श्राप है भक्तों देखो रंग लाया। सहायता वानर सेना की उनको लेनी पड़ी है। हनुमान ने वानर रूप में सेवा की बड़ी है। नारद मुनि ने विष्णु जी को जैसा श्राप दिया त्रेता युग में आकर भक्तों सच है वही हुआ। श्री हरि विष्णु जी की ये भक्तों माया है। धरती से रावण का अत्याचार मिटाया है। और रुद्रावतार रूप में बजरंग आते हैं।